हाँ गंदी पावर है बच्चे, ठीक है, जो नॉर्मली आप इग्नोर मार देते हो उसको हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व। जैसे लिखा है बेटा 8 पे पावर 1/3, तो अब तो आप आसानी से बता पा रहे हो कितना आ जाएगा 2, पर मैं कहूं बेटा 7 पे पावर 1/3 है और आंसर में बेटा इसकी वैल्यू है, फिर क्या करोगे? तो ये बात हम किसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं? देखो शुरुआत में लगेगा यार ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है, बट जैसे आप 5 या 6 टाइम्स करेंगे ना तो वही प्रोसेस आपको क्या लगने लगेगी, बहुत ही सिंपल। थोड़ी सी बड़ी तो है बच्चे प्रोसेस। चलो यहां सुनो, तो सर जो आप प्रोसेस बता रहे हैं वो सही है या नहीं है, हम कैसे चेक करेंगे? बाद में इसके लिए चेक कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट है बेटा, मैं ये लिखना बंद कर देता हूं, कैलसी को क्या करोगे ऑन ऑफ, कि मेमोरी में कुछ डला हो तो वो क्या क्या हो जाए, हट जाए। फिर बेटा स्टेप, अब मैं वो स्टेप वन उसी को हटा देता हूँ, स्टेप वन लिखा, चलो लिख देता हूँ ऑन ऑफ। स्टेप टू है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, नोट नहीं करेंगे, सब लोग सुनने पे यहाँ ध्यान दो। स्टेप टू है बेटा, आपको नंबर नोट डाउन करना है। बोलो क्या करना है? नंबर नोट डाउन करना है। तो अपने में नंबर क्या है? 7, तो आपने बच्चे 7 नोट डाउन कर लिया होगा। स्टेप थ्री है, नोट करने के लिए बेटा टाइम दूंगा, बस आप अपना कैलसी पकड़िए अभी हाथ में। स्टेप थ्री है आपका, स्टेप टू में तो नंबर नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है। रूट की बटन, इसका कोई बैकअप नहीं है, जैसे इनटू वाले में कॉर्नर पे देख लेते थे, डिवाइड वाले में भी कॉर्नर पे देख लेते थे, इसका कोई बैकअप नहीं है, तो आपको गिनना पड़ेगा बहुत अच्छे से। रूट की बटन आपको 12 टाइम्स प्रेस करनी है। कितनी बार प्रेस करनी है? सब लोग मेरे साथ आओ बच्चे। तो सबसे पहले सर हमने 7 लिख लिया था, अब रूट की बटन 12 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो आप लोगों के बेटा कैलसी पर दिख रहा होगा 1.00471188, सबके पे यही दिख रहा है क्या? पक्का? चलो स्टेप थ्री तक आपको समझ में आ गया। स्टेप फोर है बच्चे, आपको -1 करना है, केवल -1, अपने मन से इक्वल इक्वल कुछ मत करने लगना, केवल क्या करना है, -1, ठीक है, -1 कर दिया, -1। स्टेप फाइव है बेटा, आपको पावर मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई क्या करनी है, पावर इनटू पावर कर दो बच्चे, प्लीज मेरे साथ चलना, इनटू पावर। तो आपने इनटू की बटन प्रेस की, बेटा पावर कितनी है बोलो, 1/3, तो इनटू तो बेटा 1 हो गया और डिवाइड बाई क्या हो गया बोलो, 3 हो गया, इनटू 1 डिवाइड बाई 3, तो आपकी कैलसी पर भी 3 दिख रहा होगा, है ना। स्टेप फाइव है, सॉरी 6 है, आपने जो काम फर्जी में किए थे वो वापस हटाने पड़ेंगे, -1 फर्जी में किया था ना, तो बच्चे +1 कर दो, +1 कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा होगा। स्टेप सेवन सबसे खतरनाक है, इनटू इक्वल, सुनो पहले सुनो, इनटू इक्वल, ऐसा आपको करना है 12 टाइम्स। हाँ इनटू इक्वल 1, इनटू इक्वल 2, इनटू इक्वल, ऐसे ही करो बेटा। अरे मैं भूल गया मैंने कितनी बार किया था, कितनी बार करना है? वन पॉइंट, मैं रीचेक करूंगा, 1.91, मैं अभी चेक भी कर लेता हूँ जो आपने बताया सही बताया नहीं बताया, मैं और निकाल के भी देखता हूँ। अभी कुछ लोगों का नहीं आया होगा तो मेरे साथ दोबारा से चलना बच्चे। हाँ ठीक है, कुछ लोगों का भी नहीं आया होगा, चलो अब मेरे साथ चलना, यहाँ सब लोग ऑन ऑफ करो कैलसी, जिनका आ भी गया कोई बात नहीं फिर से करेंगे। ऑन ऑफ कर लिया, सबसे पहला काम था नंबर नोट डाउन करना, तो 7 नोट डाउन कर लो, 7 नोट डाउन हो गया।
अब काम था रूडकी बटन 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया 1. ठीक है 0004 7 5 1 8 8, सबका आ गया था बेटा। अब क्या करना है आपको, माइनस वन करना है, तो माइनस वन कर दो, कर दिया माइनस वन, देखो माइनस वन हो गया। अब आपको हाँ हो गया ना, साथ में चल रहा, फिर से बताऊं क्या, इसमें माइनस वन कर दिया, अब इनटू पावर होना, तो इनटू वन और डिवाइड बाय थ्री, क्योंकि बेटा ये पावर ऐसी है, तो इनटू वन डिवाइड बाय थ्री हो गया इतना, प्लस वन कर दिया प्लस वन, अब इनटू इक्वल, इनटू इक्वल कितनी बार करना है, 12 बार, 12 टाइम्स, वन पॉइंट नाइन वन थ्री वन टू सेवन सिक्स जीरो जीरो एट, ये थोड़ा जिसने भी बताया है, 1.913127600 आ गया क्या सबके में, कोई ऐसा भी एक दो बच्चे होंगे जिनके में नहीं आया होगा, नहीं आया, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो बेटा, देखो फिर से बताओ क्या था, फिर नोट करना, सर नंबर ऑन ऑफ करते हो नहीं करते हो, ऑन ऑफ किया, नंबर नोट डाउन किया, 12 बार रूट की बटन प्रेस करनी है, माइनस वन करना है बेटा, फिर इनटू पावर करनी है, अब इनटू पावर का मतलब है अगर इनटू बेटा वन तो वन हो गया, डिवाइड बाई अपने में थ्री था तो कितना आ जाएगा थ्री, ऐसे करते थे, और बेटा फिर क्या करना था, प्लस वन इनटू इक्वल ऐसा 12 बार, अभी और प्रैक्टिस करा देता हूँ, हाँ सेट प्रोसेस है ये, और किसी को नहीं आ रहा तो मेरे पास आ जाओ, मैं एक बार दोबारा से इन पे बता देता हूँ, नहीं आया कैसा शॉर्टकट कर दिया, नहीं बेटा वो शॉर्टकट नहीं लगाना, नहीं गिवन होगी वैल्यू, अगर इतना होता तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा होता, समझ रहा है बेटा, अब ये कह रहा होंगे जो वैल्यू गिवन होगी तो उस पर क्या करना बेटा, इनटू और इक्वल की बटन दो बार, बेटा मैं बता देता ये चीज है ना, आपको वहां वैल्यू नहीं होगी, तभी तो मैं आपको डेल्टी पावर बता रहा हूँ, नहीं अदरवाइज मैं इतना बड़ा क्यों बताता तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि जब आगे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ेंगे ना बच्चे, वहां पे ये बेसिक पार्ट होगा, कौन सा पार्ट होगा, ये बेसिक पार्ट होगा कुछ क्वेश्चनों में, और बड़े आराम से मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं, जैसी प्रैक्टिस हो जाती है बहुत जल्दी होने लगता है, नोट कर लिया स्टेप ये, अब चेक करते हैं सर जो आप बता रहे हो ऐसी फर्जी तो नहीं बता दे रहे हो, तो आप एक बार इसका चेक करो, देखो टू आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलो करो सब लोग, एट का चेक करो, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको, है ना, नहीं 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 मैं चेंज करता हूँ, 16 नहीं 32 पे पावर 1/5, हमें पता है इसका आंसर 2 आएगा, बट हम अभी कैलसी में चेक कर रहे हैं कि जो आपने स्टेप लिखाए सही है या हवा में ही लिखा दिए हैं, नहीं एग्जैक्ट बताओ क्या आ रहा है इसका बेटा, क्या आ रहा है कैलसी पे, क्या आ रहा है, सही सही, बस 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 यही सुनना था मुझे, ठीक है अगर आप कैलसी पे करोगे तो ये वैल्यू आएगी, ट्राई करो, यस मतलब जो बता रहा हूँ हवा में नहीं ना, सही है ना प्रोसेस, हाँ अब इसमें नहीं लगाना है आपको सर, इसमें नहीं, जब भी गंदे दिख रहे होंगे नंबर बेटा, गंदे संदे जैसे आप सॉल्व नहीं कर, टू पॉइंट दो तीन बार जीरो आया होगा बस पर्याप्त है, हाँ
चलो इसकी वैल्यू बताओ फिर। डन हो गया इतना? मैं अब दो क्वेश्चन और देता हूँ, बस कहानी कहता मैं फिर। 19 पे पावर 2/5, 19 पे पावर 2/5 मैं भी निकाल लेता हूँ। अब बताओ कितना आंसर आया। तो ये मैच कराओ 3.24796798239। सबका ये आ गया? कोई ऐसा हो जिसका नहीं आया हो? मैं बताऊं दोबारा से, आ गया सबके में? पक्का? ठीक है ना। तो इस ऐसे ही दो तीन पार्ट घर पे और करना। मैं नंबर लिख देता हूँ, कल चेक कराना मुझे फिर। 26 पे पावर 3/7, हाँ सेकेंड है, इसके आंसर कमेंट कर देना, चाहे आप लिख के लाना, कलम चेक कर लेंगे, ऑनलाइन वाले कमेंट कर देना। और अगला है आपका बेटा 87 पे पावर 5/23। ये दोनों होमवर्क है। किसी को नहीं आया हो तो क्लास के बाद में भी पूछ के जाना, ठीक है।